सो भाई मैं आ चुका हूँ दीदी के लिए केक लेने। सो भाई मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी ना सब खाना खा रहे हैं। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। और सुबह भाई मैं जिम नहीं गया क्योंकि भाई बीच में जब संडे आ जाता है ना तो उतना आलस बढ़ जाता ना कि क्या ही बताएं। तो मेरे साथ भी सुबह यही हुआ, आज सुबह मेरी आँख खुल नहीं पाई जिसके कारण मैं जिम नहीं जा पाया। बट एनीवेज आज दीदी और भी आए हुए हैं, सो उनसे भी आपको मिलाएंगे। आज हमारी एक दीदी का बर्थडे भी है तो उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। थोड़ा सरप्राइज रखा है वंशिका जी और मैंने, उनका केक कटिंग करेंगे बढ़िया तरीके से। और कोशिश करूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो शायद मैं भी जिम जाऊंगा मैं। और बाकी सब बढ़िया है, सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल? मैं अपना साइंस शर्मा जाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बीएम ब्लॉग्स। ये हमारा भांजा, हाय कर दो भाई। हाय। और ये हमारी भांजी, कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताओ। विश कर दिया भाई? गुड मॉर्निंग। विश कर दिया? गुड मॉर्निंग। तो भाई ये सारे आ चुके हैं दीदी और भांजी, एक बार हमारी ऑडियंस को हाय बोल दो। हेलो। तो चलो भाई हम भी चाय पी लेते हैं, चाय पी के उसके बाद जो छोटा मोटा काम है उसको भी खत्म करते हैं और टाइम बचा के फिर जिम भी कोशिश करेंगे जाने की। तो भाई दीदी और तो गए हैं मार्केट और मैं सोच रहा हूँ अभी मेरे पास टाइम है तो क्यों ना जिम ही चले जाएं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कि जिम चलते हैं और अभी तो टाइम सिर्फ 3:30 ही बजे हैं और 1.5 घंटे तक मैं भी आ जाऊंगा और फिर शाम को दीदी का केक भी कटिंग करना है। तो बस अभी बैग रेडी कर रहा था अपनी जिम के लिए, सो मैं आपको मिलता हूँ भाई जिम में। भाई आ गए हम जिम में और अभी तक जिम में कोई नहीं आया। मैं जब आया तो भाई भाई साहब आज फिर वही सी जगह पे कुछ टाइम पहले जो हमने वीडियो कर थी वही जगह और कपड़े बस थोड़े अलग है। और ठीक हो? कैसी थे चोट वगैरह? वैसे यार भैया ना जैसे सालसर गए थे तो आगे जैसे डॉगी वगैरह आ गया तो उसको बचाने के चक्कर में बाइक थोड़ा स्किप हो गया, ठीक है, तो उसके कारण थोड़ी बहुत लग चुकी है बट नाउ इज गुड। आशीर्वाद है बालाजी का। सही बात यार, इतनी अच्छी जगह गई हो ना तो कृपा तो फिर ऑब्वियसली बरसनी बरसनी है ना। तो भाई मैं फटाफट से ना जिम लगा लेता हूँ, टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, 1 घंटा 1 घंटे फटाफट से एक्सरसाइज लगा के हम फ्री होते हैं। आपका भाई हो चुका है वार्म अप और आज मेरा मन है भाई कि आज मैं मशीनें लगाऊंगा चेस्ट में, क्योंकि मोस्टली क्या है कि मैं डंबल या रोड लगाता हूँ चेस्ट में, बट आज आपका भाई मशीनें लगाएगा, एक्सरसाइज लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वार्म अप हो चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, बाय, आप भी हमारे व्लॉग में आओगे। चलिए भाई चलते हैं, हमारी जिम हो चुकी है कंप्लीट, 5 महीने वाले हैं। अब थोड़ा घर पे जाके डाइट कर लेते हैं, उसके बाद हमें केक भी ले जाना है दीदी के बर्थडे के लिए। सो निकलते हैं, अभी मिलते हैं आपसे घर पे सुबह। ए फ्यू मिनट्स लेटर। तो घर पे आ चुका हूँ और अभी मैं अपना प्रोटीन खिलाऊँ और खीरे भी कट गए तो खीरे भी खाएंगे और दीदी और अभी मार्केट गए हैं, सो अभी मेरे पास टाइम है उनका केक ले जाने के लिए। जब तक वो आएंगे तब तक हम अपना केक भी ले आएंगे। तो अभी फिलहाल मैं अपना प्रोटीन पीता हूँ, खीरे खाते हैं, उसके बाद भी चलेंगे मार्केट और आप सबको भी दिखाऊंगा कि कौन सा हम केक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। सो अभी चेक कर लेते हैं भाई कि ये कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज ही आया है, तो उसको चेक करते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा फ्लेवर। और खीरे भी कट चुके हैं। भाई टेस्ट काफी अच्छा है, बटरस्कॉच और कैनी वेटर्स का जो चॉकलेट फ्लेवर है वो मिक्स है। तो इसका लिंक अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे आप डीएम करोगे तो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा है कौन सा नहीं। दीदी आने वाले हैं मार्केट गए हैं तो उनके आने से पहले पहले हम अपना केक लाकर रख देंगे ताकि उनको पता ना लगे, है ना। वेट वेट, चलिए चलिए हाय करते जाइए। हाय करते जाइए। गाइस देखिए मेरा सूट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बर्थडे गर्ल का, तो ये बर्थडे गर्ल है। सुबह मैं आ चुका हूँ दीदी के लिए केक लेने। ये मेरे पीछे आप शॉप देख रहे हो जो कि लाल विश की है। सो अभी हम अंदर चलते हैं और केक अच्छा सा डिसाइड करते हैं कौन सा केक लेके जाना है। सो चलिए चलते हैं। भी अपने सारे दिनांक भी केक है ना, तो केक दिखाइए भाई कोई बढ़िया सा अच्छा। भाई मैं आपको बता दूं भाई क्योंकि केक वगैरह कुछ सामान और भी है जो कि मैं अकेला तो लेके जा नहीं सकता, तो मैं उनको साथ लेके आया हूँ। सो ये हमारे साथ ही जाएगा भाई, तो थोड़ा बहुत सामान ये पकड़ेगा या बाइक ये चलाएगा या मैं चलाऊंगा, तो
लेट्स सी, देखते हैं जैसे भी होता है। फिलहाल अभी जो हमारा काम है केक डिसाइड करने का, कौन सा केक लेना है वो देखते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। भाई मैं अंदर गया और मैंने देखा भाई चाबी कहाँ थी हमारी, तो चाबी हमारी बाइक के पीछे में रह गई थी। और हमने केक के साथ ना टेस्ट भी टेस्ट किया, तो उस टाइम भी यार उनसे कैसा टेस्ट है, अभी तक तो मैंने टेस्ट नहीं किया। करो टेस्ट करो। 50-50 यस हाफ हाफ ये तो चॉकलेट है, ये तो अच्छी। अभी करेंगे चाबी बीच में रहेगी भाई बाइक। अच्छा हमारा बाइक कोई उठा के ले जाता आज। चलो तुम लोगों ने बचा दिया इसके लिए। एकदम से याद आया कि बाइक कहाँ गई। कैसा इसको खत्म करके फिर निकलते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट में काम और भी है, उसके बाद हम घर पहुंचेंगे केक लेके और दीदी को सरप्राइज दे देंगे बर्थडे का। सो भाई मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी ना सब खाना खा रहे हैं, तो मैंने ना ये सोचा है कि पहले सबको खाना खिला देते हैं और केक में बड़ी शांति से लाकर फ्रिज में रख दिया है, किसी को कानों कान खबर नहीं है और ना ही दीदी को पता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले सबको खाना खिला देते हैं, उसके बाद हम आराम से केक कटिंग करेंगे। और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं केक लेके आया हूँ या नहीं, तो मैं भी खाना खा लेता हूँ और वो भी खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद केक कटिंग करते हैं। ओह यस 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 यस, चलो चक्के दिखाओ, कम ऑन लेट्स गो। वैसे पहले पतले बंदे जोर ज्यादा होता है ना। तो भाई खाना आ चुका है, खाने में हमारे कड़ी मिक्स वेज और कड़ाई पनीर और चावल है। सो खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद भाई आपसे मिलते हैं कुछ देर में, तब तक के लिए भाई वीडियो बने रहिएगा। भाई टाइम हो चुके हैं 10:22 और खाना वगैरह सभी ने खा लिया है और मैं अभी कमरे में आया था लाइट का सेटअप करने। सो लाइट का सेटअप भी हमने कर दिया है, टेबल भी साफ कर दिया है, बस अभी हमने बाहर जाके देखना है दीदी कहाँ पे है कहाँ नहीं, क्योंकि उनसे छुपा के हम केक अंदर लेके आएंगे, उसके बाद उनको सरप्राइज देंगे और फिर उनसे केक कटिंग कराएंगे। सो नाउ अभी हम चलते हैं बाहर और देखते हैं वो कहाँ पे, उनसे छुपा के केक लेके आएंगे, हमने सरप्राइज देना है ना। दिख तो नहीं रही मुझे यहाँ पे, बाबू कहाँ पे वॉशरूम में। तो चले गए, हमारे पास अभी अच्छा मौका है केक निकालने का। नव्या इसको निकाल फटाफट अंदर अंदर ले जा चुपके से, चुपके से, चुपके से, चल 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 जल्दी जा जल्दी। चले भाई अंदर चलते हैं हम भी, इतना केक सेट करते हैं बिल्कुल बढ़िया, किसी और को सरप्राइज देते हैं। केक हम ले आए हैं भाई फ्रिज से निकाल के और काफी अच्छा केक है। और बाकी सब बच्चे आर यू रेडी गाइस? यस। और दीदी भाई वॉशरूम में अभी हमारे पास टाइम है, तो फटाफट से केक को निकाल के सेट कर देते हैं अच्छे तरीके से मोमबत्ती वगैरह लगा के। सो भाई केक हमने ना बिल्कुल सेट करके रख दिया है, ये देखिए बिल्कुल ओके के कर दिया है। बाहर से लेके आते हैं मोमबत्ती, जो उनके आने के बाद जलाएंगे नहीं तो मेल्ट हो जाएगी मोमबत्ती जल्दी से ना। तो चलो भाई दीदी आने वाले हैं और दिखाते हैं आपको उनका रिएक्शन कैसा है। Happy birthday to you, birthday dear. मम्मी तो पहले देखते थे नाच नहीं। लो चलें भाई अपना मोमबत्ती जगाते हैं, मैंने जगाई नहीं थी क्योंकि मेल्ट हुई थी इसलिए मैंने जलाई नहीं है, तो आप मोमबत्ती जलाइए। चलिए
सो फाइनली गाइस बर्थडे बन चुके हैं बहुत अच्छा। तो मैं पूछना चाहूंगा दीदी से कि उनको हमारा ये सरप्राइज कैसा लगा, क्योंकि हम दो दिन से ना प्लान कर रहे थे इनके आने से पहले ही, वंशिका जी और मैं प्लान कर रहे थे कि इनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। सो कैसा रहा आपका बर्थडे? मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा तेज बोलना, थोड़ा तेज बोलना, हमारी ऑडियंस को ना थोड़ा कम सुनाई दे। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इतना बढ़िया सरप्राइज, थैंक यू सो मच। दीदी को सरप्राइज काफी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बाकी सबको भी, अगर बाकी सबको भी अच्छा लगा तो एक बार शोर मचा दो। और काफी अच्छा लगा और काफी मजा भी आया बर्थडे में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। फिलहाल अब इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं और उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेकर।